दोस्तों बॉलीवुड की सच्चाई है कि यहाँ कोई भी स्टार स्थाई नहीं है। एक न एक दिन इन सितारों की चमक फीकी पड़ जाती है। ग्लैमर और स्टारडम की चमक ऐसी होती है जिसे कोई भी कलाकार खोना नहीं चाहता, लेकिन इसे बचा पाने में बस चुनिंदा स्टार ही कामयाब होते हैं। आज हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताते हैं जो फिल्मों में आते ही छा गए, लेकिन उनकी चमक बहुत जल्दी फीकी पड़ गई। नंबर एक, राहुल रॉय। लिस्ट में पहला नाम है राहुल रॉय का, जिन्होंने अपना करियर सुपरहिट फिल्म आशिकी से शुरू किया था। एक फिल्म से सुपरस्टार बनने वाले राहुल रॉय ने भी खुद नहीं सोचा था कि उन्हें सफलता इस कदर मिल जाएगी। हालांकि पहली हिट फिल्म देने के बाद उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गए। नंबर दो, अमीषा पटेल। अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में अमीषा के साथ ऋतिक रोशन नजर आए थे। अमीषा उन एक्ट्रेस में से एक है जिनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के हिट होने के बाद साल 2001 में उनकी फिल्म गदर ने सच में गदर मचा दिया था। इसके बाद अमीषा ने कई फिल्में की, लेकिन वो अपने स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाई। नंबर तीन, अनु अग्रवाल। आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भी अब गुमनामी की जिंदगी जी रही है। आशिकी के बाद अनु रातों रात स्टार बन गई, लेकिन उसके बाद तकरीबन 9 साल तक फिल्म पाने के लिए काफी मशक्कत की। 1999 में उनकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब उनका एक्सीडेंट हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा पड़ाव था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में अनु अग्रवाल की न सिर्फ याददाश्त चली गई बल्कि 29 दिनों तक वो कोमा में रही। नंबर चार, कुमार गौरव। कुमार गौरव मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। कुमार की पहली फिल्म उनके पिता ने ही प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म में बाप बेटे की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी था। पहली फिल्म से कुमार ने सफलता का वह मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए कलाकारों को कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं उनकी पहली फिल्म के हिट होते ही उस दौर के हिट एक्टर्स की लाइन में खड़े हो गए थे। फिल्म में न केवल कुमार की एक्टिंग की तारीफ हुई बल्कि लोग उनके स्टाइल को भी कॉपी करने लगे। पहली फिल्म के बाद कुमार गौरव के खाते में कोई सफलता नहीं आई। अब कुमार गौरव फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। नंबर पाँच, भाग्यश्री। सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। भले ही भाग्यश्री आजकल बॉलीवुड से दूर हो गई हो, लेकिन उनके फैंस आज भी उनकी फिल्म से उन्हें याद करते हैं। उनकी और सलमान खान की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। ऐसा माना जा रहा था कि भाग्यश्री उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियों को टक्कर देगी, लेकिन शादी के बाद उनका कैरियर खत्म हो गया।